कोहिनूर जो मुंब्रा का सबसे बड़ा और पहला मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, जो पिछले 11 सालों से ट्रस्टवर्थी ब्रांड है। लाया है मुंब्रा का सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक और होम अप्लायंसेस ब्रांड स्टोर, जहां मौजूद है सभी ब्रांड अंडर वन रूफ, वो भी शहर के बीचों बीच। वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जो आपके घर की खूबसूरती में चार चांद लगा। स्पेशल लोन ऑफर विथ जीरो डाउन पेमेंट, साथ ही पहले 200 कस्टमर के लिए स्पेशल गिफ्ट पैक। कस्टमर की हैप्पी रिस्पांस को देखते हुए अब और भी पर्सनलाइज सर्विस के साथ कोहिनूर सेलिंग जॉयफुली। अब न्यू लोकेशन पर ओल्ड नशेमन कॉलोनी नियर बाय डॉक्टर दादन क्लिनिक मुंब्रा कौसा। जाम होता है, आपने खुद देखे कि दूल्हा जो है वो घोड़े पे अटक गया था। एनसीपी पार्टी के लोग आए हुए थे, वो विरोध करके यहाँ पर गए हुए हैं। हर कोई पब्लिक की सिंपति लेने के चक्कर में पड़ा है, शहर की किसी को पड़ी नहीं है। यही एक गाड़ी उठा के लाओ, यही फिकर एक रह गया। थाना देख लो, बम्बई देख लो, हर जगह से गाड़ी उठाई। मुंब्रा कोई अपना अलग नहीं है। इंटरनल रोड के ऊपर जो है सबके लिए पार्किंग के लिए मनाई है ना, ये कौन सी पार्किंग है? ये ड्रोन उड़ाए, ये उड़ाए, वो उड़ाए, ट्रैफिक कंट्रोल हो जाएगी, ये हो जाएगा, क्या हुआ? मेडिकल के लिए गए, गाड़ी उठा ली। पब्लिक को सुविधा देने के लिए काम करो, दादागिरी के लिए मत करो। अभी ये चार पांच कॉन्ट्रैक्टर इसके अंदर है जो एक नंबर के नशेड़ी है। आता बोले ना तुम्हें नशेड़ी ना माजा करे अच्छा मैं नशेड़ी सगड़े आता तुमसे डायरेक्ट आरोप करता हूँ। फिर इसको जहाँ जाने का 353 दाखिल करने का है, एक बार ट्राई करके देखो। आपकी गाड़ी पे भी कार्रवाई हुई, अभी टोइंग वाले उठा के लेके आए थे, आपने भी गलत पार्क किया था। अगर हम डीसीबी बैंक गए, गाड़ी कहाँ पार्क करने का ये बताओ, या तो बोलो कि भाई बैंक जाने का है तो पैदल जाओ। बाहर जो हॉकर लगे हुए हमारी गलती है वो। तुम्हें सगड़ा क्रेन वर जीती लोग है तुमसे, तुम्हें लिस्ट देव सकता है त्यांची? हो सर, त्यांचा सगळा प्रूफ आहे। पार्किंग जोन अलाव कौन करता? ट्रॉफिक ऑफिस करते कि नगर पालिका करते? मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में टोइंग द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसके खिलाफ कुछ लोग हैं और कहीं कुछ लोग टोइंग करने के समर्थन में है। हमारे साथ एनसीपी के कार्यकर्ता हैं अयाज बबलू, उनसे बात करेंगे। अयाज बबलू भाई, आपकी भी गाड़ी पर आज कार्रवाई हुई और मुंब्रा शहर के कई लोग हैं जो राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, आम पब्लिक है, वो भी टोइंग के खिलाफ है। देखिए, शहर को अगर बदलना है तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का और ये जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं, इनका आपको समर्थन करना पड़ेगा। हम अगर जो शहर भर में सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, अगर हम लोग ही इनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा शहर कैसे सुधरेगा? अब मेरी ही गाड़ी जो टॉइंग हो गई थी अभी स्टेशन के पास से, तो मैंने भी पावती भरा, फाइन भरा। ये देखिए, मैंने भी फाइन भरा है, फाइन भर के मैंने अभी पावती ली है। कितना फाइन भरा? ये मैंने फाइन भरा है 200 रुपये। हाँ, 200 रुपये, 200 रुपये फाइन भरा टॉइंग का, और जो 500 रुपये जो उसका है, क्या बोलते हैं इसको, पार्किंग का जो उठाने का है। लेकिन लोगों का ऐसा कहना है कि हर जगह से गाड़ी उठा ली जा रही है, रोड के किनारे भी एकदम है, फिर भी उठा ली जा रही है, परेशान है ना लोग? अभी इसमें कितना सच कितना झूठ वो नहीं बता सकते, ठीक है। शहर में अगर कुछ सुधार होने वाला है तो उसमें कुछ हो सकता है कि कुछ उल्टा भी सुधार बोल रहे। अभी आपके आने से पहले ही यहाँ पर जो है एनसीपी पार्टी के लोग आए हुए थे, वो विरोध करके यहाँ पर गए हुए हैं। अजीत पवार गुट के थे, ठीक है। कैसा है शहर, मुंब्रा शहर जो है राजनीतिक अखाड़ा बना हुआ है, तो यहाँ हर कोई पब्लिक की सिंपति लेने के चक्कर में पड़ा है, शहर की किसी को पड़ी नहीं है। तो शहर की फिक्र के लिए हम लोग को सहभागी होना पड़ेगा, ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो या खाली यही फिक्र है क्या? यही एक गाड़ी उठा के लाओ, यही फिक्र एक रह गया। नहीं, डेवलपमेंट, ट्रैफिक डेवलपमेंट की बात करो, फिर ट्रैफिक जो है जो देना चाहिए ना, उसी गाड़ी, गाड़ी पार्किंग की जो जोन देना चाहिए ना, फिर ऐसे ऐसे होगा। अभी कितने कब होगा ऐसे ऐसे? देख, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऐसे ऐसे होगा, हम उनके फेवर में बात नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि शहर के अंदर लोगों को एक सीख मिले, लोग आपके ही तरफ के जो है विधायक है ना, उनको करना चाहिए ना यहाँ पर। किए ना भाई, हमारे शमीम खान साहब ने टोइंग के लिए आपको जामर दिया,
ट्रैफिक हटवाया, सिस्टम बनाया, एक तरीके के शहर में जामर देने के खिलाफ तो है। मेरी बात सुनिए, आपके जामर देने के खिलाफ शहर के भी लोग हैं। और जो इस्लामुद्दीन भाई, ऐसा है कि आपको शहर को सुधारना है तो शहर के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, कुछ तकलीफें होंगी। जामर देने से पहले, ड्रॉइंग आने से पहले, इससे पहले जो लोग यहाँ चिल्ला रहे थे कि भाई ट्रैफिक हो रही है, ट्रैफिक हो रही है, यहाँ बाइक लगा के चले जाते, यहाँ गाड़ी लगा के चले जाते, अब टॉइंग हो रही है, वहाँ पर जैमर लगा जा रहा, तो लोग ये चिल्ला रहे हैं कि लोगों की गाड़ी पे जैमर लगा जा रहा है, टॉइंग हो जा रही है। तो शहर के अपोजिशन पार्टी वाले लोग चाहते क्या पहले, ये तो समझ में आए कि वो लोग करना क्या चाहते, वो लोग खुद ही कन्फ्यूज है कि हमको करना क्या है। वो लोग दरअसल चाहते हैं कि शहर में एक पार्किंग जोन मिले। मिलेगा ना, पार्किंग जोन बनेगा, तो लेटरबाजी चल रही है, लोग बराबर लोग जो है वो करके, वही तो लोगों का कहना है भाई कि पार्किंग जोन करके, लोगों की व्यवस्था करके, उसके बाद ट्रिंग चालू करना चाहिए था ना। बिना सोचे समझे कुछ भी किए, कुछ भी काम कर देते हैं, ऐसा लोग बोल रहे हैं। नहीं होता है, लोगों को बोलने तो बोलने से कुछ नहीं होता है। कोलसे शहर में हर जगह पे ठीक है, बन रहा है, काम चालू है। थाना देख लो, बम्बई देख लो, हर जगह से गाड़ी उठाई। मुमरा कोई अपना अलग नहीं है, मुमरा भी हमारा, हमको सुधारना है। हम भी चाहते हैं कि शहर के अंदर ट्रैफिक, गाड़ी उठने से सुधर जाएगी। गाड़ी उठने से सुधरने की बात नहीं, हम लोग जो मुद्दे पे बात कर रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप अगर कोई और मुद्दे पे बात करना है तो उसके लिए हम अलग से डिबेट कर लेंगे। आप जो मुद्दे पे बात करना चाहते हैं उससे सवाल कीजिए। आप डेवलपमेंट के मुद्दे पे सवाल करना चाहते हैं कि टोइंग के मुद्दे पे सवाल करना चाहते हैं? तो वो भी तो एक डेवलपमेंट का ही मुद्दा है ना। डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है, शहर के मुद्दा है, ये शहर का मुद्दा है, ये शहर की ट्रैफिक का, शहर का मुद्दा क्या होता है, वही डेवलपमेंट होता है। अभी मेरी बात, एक मैं आपको बात बताता हूँ, पूरे बम्बई शहर के अंदर दो दो तीन तीन घंटे का जाम लगता है व्यवस्था के अंदर, तो वो डेवलप नहीं है क्या भाई? बम्बई से अगर कोई बाइक कर ला, मान लो हाईवे, हाईवे की सुनिए ना, हाईवे का जाम अलग है, ये शहर एक शहर है। मैं भी आपको ये भी अपना मुमरा शहर जो रोड जो है ये पहले हाईवे हुआ करता था, अब ये मतलब सिटी का रोड हो चुका है, ठीक है। मुमरा में जो आबादी है सिंगल रोड पे है, यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, 8-10 लाख की आबादी है, उसके अंदर इतनी सारी गाड़ियाँ और सिंगल रोड है। तो जैसे जैसे इंशाल्लाह अभी एमएमडी का रोड बना, ट्रैफिक कम हुई ना, लेकिन अभी वो शिमला पार्क पे वहाँ पर लोग जो है गाड़ियाँ आड़ी टेढ़ी घुसा दे रहे हैं, इसके लिए जाम लग रहा है वहाँ प्रॉपर। हम भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट आड़ी टेढ़ी घुसा दे रहे हैं तो उसकी व्यवस्था कौन करेगा? मेरी बात सुनिए, हम भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अधिकारी, वहाँ पर ट्रैफिक कर्मचारी हमेशा तैनात होना चाहिए ना, कर्मचारी अवेलेबल होना चाहिए। हाँ, ट्रैफिक आपकी पार्टी के 100 बार लोग जो है पदाधिकारी 100 बार मीटिंग कर चुके, 100 बार ये ड्रोन उड़ाए, ये उड़ाए, वो उड़ाए, ट्रैफिक कंट्रोल हो जाएगी, ये हो जाएगा, क्या हुआ? हुआ मेरे भाई, ऐसा है कि इसमें कहीं ना कहीं कामियां जो है हमारे डिपार्टमेंट की भी है ना। डिपार्टमेंट वाले सख्त होंगे तो काम होगा। मैंने लास्ट टाइम पे मीटिंग में डीसी साहब को बोला कि जब तक पुलिस डिपार्टमेंट इस मामलों में सख्त नहीं होगा, शहर के अंदर बदलाव नहीं आएगा। तो किसी भी शहर के लिए सख्ती करना ज़रूरी है, तब जाके वो शहर सुधरता है। आप हर चीज़ में ढील लेके रखोगे तो शहर थोड़ी सुधरेगा। लोगों की मनमानी, अब पुलिस डिपार्टमेंट है, दूसरे डिपार्टमेंट बने इसीलिए कि लोगों की सुरक्षा किया जाए और सिस्टम से बनाया जाए। तो जैसे जैसे टाइट होगा वैसे सिस्टम बनाया जाएगा। अब कुछ चीज़ें यहाँ राष्ट्रवादी पार्टी और आवाज़ साहब करने जाते, दूसरी अपोजिशन वाले उठ के आते उसके अगेंस्ट करने लग जाते, तो मामला वहीं रुक जाता है। क्या कर राजनीति क्यों करते हैं? मेरा बोलना यही है आपको कि आप लोग शहर में जो है डेवलपमेंट के ताल्लुक से काम कीजिए। जितेंद्र अवार्ड का गाना बंद किए तो इंशाल्लाह ताला शहर में डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो जाएगा। जितेंद्र अवार्ड साहब अपना काम करते जा रहे, आप भी डेवलप, आप भी पॉलिटिकल पार्टी, आप लोग भी वोट के लिए काम कर रहे हैं ना, क्या सवाब कमाने के लिए कर रहे हो? तो क्या करने जा रहे थे आपके? काम कर रहे हो तो पब्लिक के लिए काम करो, पब्लिक की सेवा के लिए काम करो। खाली चिल्ला पुकार मचा के, लेटरबाजी करके, लेटर डालना, खामोश हो जाना और उसके ऊपर बाद दिन रात जितेंद्र वाले के नाम के नारे गजना, ये ठीक नहीं है। आपको काम करना है, आप लोग काम करो, जो मुद्दे बनते हैं उसके लिए आपको सहभागी होना पड़ेगा डिपार्टमेंट का। जब तक आप डिपार्टमेंट के अवार्ड साहब कुछ काम करने जाते हैं तो लोग रोक देते, क्या करने जा रहे थे वो रोक दिया गया? बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग उस पर दूसरी बार डिस्कशन करेंगे, फिलहाल हम लोग ट्रैफिक पर डिस्कशन करेंगे। फिर बोले क्यों ये क्या क्यों रोक दिया जा रहा? मैं ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ, ट्रैफिक की बात, मैं ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ। अभी शमीम भाई अवार्ड साहब ने शमीम भाई को बोले, जब वो साहब ट्रैफिक के लिए जो मामला हुआ जैमर दिए, उस पर भी उनका ऑब्जेक्शन, काय के लिए जैमर दिए? अरे तुम ला के दे देते ना, तुम ला के दे देते जैमर। उनका कहना है कि जैमर देने के बजाय आप जो है पार्किंग जोन कर देते। अरे यार ये दोगली राजनीति करके कोई फायदा नहीं है, ये डबल डबल बात करने का, जैमर दो या जोन दो, ये दो वो दो। अच्छा वसीम भाई, मतलब की बात, वसीम भाई आप जो ये टोइंग हो रहा है, आप इसके समर्थन में हैं या इसके खिलाफ में हैं या दोनों दोनों तरफ हैं? टोइंग के अंदर होने वाली गुंडागर्दी, धांधली और जो गलत तरीके की कार्रवाई है, इसके हम पूरी तरीके से खिलाफ हैं। जिस तरीके से यहाँ पर है ना, ये देखिए, ये जो लोग है ना, ये एक टीम है, अच्छे काम की सराहना है, लेकिन जो परेशान करने वाली चीज़ें हैं ना, ये बंद होनी चाहिए।
आप बताइए। भाई का कहना है कि जो टोइंग हो रहा है ये बहुत अच्छा काम हो रहा है और होना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि ट्रैफिक जाम हो रही थी, टोइंग जब से होने लगा तब से ट्रैफिक नहीं हो रही। ट्रैफिक अभी आपको मैं बबलू भाई की बात देखिए, टोइंग क्या हमारा विरोध नहीं है। आपको टोइंग करना है ना, आपने P1 P2 डिक्लेयर करे, मैं आपको एक आध दो दिन के अंदर आपको लेटर देता हूँ जिसमें P1 P2 डिक्लेयर्ड है। पार्किंग की सुविधा के साथ अगर आप, अगर अभी बहुत सारे लोग हैं ना, देखिए बहुत सारे लोगों के ना आरोप लग रहे, मेडिकल के लिए गए गाड़ी उठा लिए, अंदर से जा कर के अनवर सारा जो कि खुद एक रिपोर्टर है, उनकी गाड़ी कहीं पर है ना पार्किंग में थी, वहाँ से उठा बैंक के सामने, वहाँ से उठा करके लेके चले गए। अभी ये 4-5 कॉन्ट्रैक्टर इसके अंदर है जो एक नंबर के नशेड़ी है, एकदम खुली खुली बात करते हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं ये लोग धांधली कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, जो अच्छा कॉज है वो डिस्टर्ब हो रहा है। ट्रैफिक ख़त्म करना है ना आपको भैया, देखिए अभी ये जो मित्तल के लिए जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पर है ना सब जगह से आते हैं और पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी किसकी ली जानी चाहिए। शिमला पार्क के ऊपर सर्कल था, वो सर्कल क्यों वापस से बना नहीं अभी तक के? जाम होता है, आपने खुद देखे हो कि दूल्हा जो है वो घोड़े पे अटक गया था, बात है ना। अब देखो PI जो है ना, PI परेशान कहाँ होंगे बेचारे, शिलफाड़ा सर्कल के ऊपर होंगे, इंटरनल रोड के ऊपर जो है सबके लिए पार्किंग के लिए मनाही है ना, ये इलीगल पार्किंग क्यों है? ये कौन सी पार्किंग है, ये इलीगल है ना, रोड पे ही है ना, इनके ऊपर कौन कार्रवाई करेगा? अच्छा ये सब होने दो, ये जितने लोग हैं ये लोग का इसके अंदर ऐसा क्या इंटरेस्ट हुआ? अंदर आज बैठा हुआ आपको दिखाई देगा ऑफिसर, लेकिन अंदर का अभी चलो कैश गिनवाओ, अभी कैश गिनवाओ वहाँ पे। मेरे पास कुछ ऐसे भी सबूत हैं जो प्राइवेट पेटीएम्स के ऊपर हुए हुए। कोई भी यहाँ दादा भाई पटेल नहीं, हम लोग पहले से बोलते हुए इसके अंदर कोई भी रहेगा, कोई भी छाना, ये कौन है, ये टीपू है कौन, कौन है, इसकी क्या जिम्मेदारी है? ट्रैफिक ख़त्म करने की जिम्मेदारी ना दादागिरी की है क्या इसकी? डायरेक्ट आरोप करता हूँ, फिर इसको जहाँ जाने का 353 दाखिल करने का है, एक बार ट्राई करके देखो। बात आ रही है पब्लिक को सुविधा देने की, पब्लिक को परेशान करने की नहीं। औरतों को यहाँ खड़े रह करके ऐसा मतलब मजबूर करके ना ये किया जाता है, इतना हुआ, वीडियोज़ कोई गलत फहमी में रहने का नहीं। जिस दिन है ना पब्लिक यहाँ पर रोड पर आ गई ना, धांधली ख़त्म हो जाएगी। आप पब्लिक के लिए काम करो, पब्लिक को सुविधा देने के लिए काम करो, दादागिरी के लिए मत करो, किसी ने नकोड़ लिया, किसी ने मार लिया, ऐसा करके पब्लिक। और ये बात कह रहे हैं, चलो आपकी बात सही मानते हैं, लेकिन जो ट्रैफिक के कर्मचारी हैं वो भी जब कार्रवाई पे निकलते हैं तो उनके साथ भी ऐसे कई घटनाएं, तो कोई चाकू निकाल लेता है, कोई मार पीट करता है, दौड़ा के मारता है, तो आखिर ये गैप क्यों आ रहा है? ऐसा क्यों नहीं, ये गैप क्यों आ रहा है? उनका भी पक्ष देखना चाहिए ना कि उनको भी मार पड़े। ये गैप क्यों आ रहा है? ये भाई है, अपना भाई है ना, ये लोग सब काम करने के लिए आए हुए। अब इनको अगर कोई चीज़ करना है, आपको एक गाड़ी उठानी है ना, नॉर्मली एक सिस्टम आया हुआ है, आपने उसका फ़ोटो खींचे, उनके ऊपर चालान चला गया, अति इसके अंदर आप यहाँ से जाते हैं, अभी है ना जाओ बहुत सारी दुकान के बाहर है ना उनके बोर्ड लगे हुए, तो वो भी तो इलीगल पार्किंग, उसके बाजू में लगी हुई बाइक उठा ले रहे आप बात समझ रहे हैं, उसके बाजू में लगी। आपको ट्रैफिक फ्री करना है ना, पूरा रोड खाली करवा दो। जब किसी के पास है ना, जब पब्लिक के पास है ना पार्किंग की जगह नहीं बचेगी ना, तब कहीं जाके प्रशासन जागेगा कि भैया इनको पार्किंग की भी जगह देना पड़ेगी। मेरे पास प्रशासन का लेटर है इससे पहले का, पार्किंग का दिया हुआ। बबलू भाई ने जो बोले टोइंग से हमारा किसी का विरोध नहीं है, कर लो टोइंग, बिठाओ उसके ऊपर, बच्चों के साथ उठा लो गाड़ियों को, लेकिन उसके बाद क्या सॉल्यूशन तो देना पड़ेगा ना। गाड़ी कहाँ खड़ी रहेगी यहाँ पे लाके खड़ी करने का, तो बोलो जोन बनाना पड़ेगा, बिना जोन बनाए नहीं चलेगा, गाड़ी छोड़ देने का पड़ेगा। आदमी ने गाड़ी अभी तक तो आप एकदम तारीफ कर रहे हैं। एक बात सुनिए, आपने जो मुद्दा उठाया ना, मैं उस मुद्दे के हिसाब से बात, आप बातों को मैनिपुलेट कर देते हमेशा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम टोइंग के विरोध में नहीं है, लेकिन टोइंग के लिए जो मगजमारी हो रही है ना, गाड़ी अगर लग रही है अंदर ना तो वहाँ से मत उठाया जाए, रोड की गाड़ी उठाई जा रही उसके लिए तो मगजमारी हो ही रही है ना। आदमी 10 मिनट के लिए गया, 5 मिनट के लिए गया, गाड़ी सही तरीके से लगा के जाए, 5 मिनट 10 मिनट में क्या रोड प्रॉब्लम, अगर उसी 5-10 मिनट में कोई अगर हादसा हो जाएगा तो। अच्छा ठीक है, एक मिनट, लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझे और प्रशासन की मदद करें काम को आगे बढ़ाने। आपने अपनी जिम्मेदारी समझी?
मैंने समझी ना भाई। तो गाड़ी आपकी फिर यहाँ कैसे आ गई, आपकी गाड़ी पे कैसे कार्रवाई हुई, आप भी गलत तरीके से पार्क करके गए। फिर मेरी गाड़ी जो थी वो लोगों को आप नसीहत दे रहे हो, आपकी गाड़ी पे भी कार्रवाई हुई, अभी टोइंग वाले उठा के लेके आए थे, आपने भी गलत पार्क किया था, हादसा हो जाता आपकी गाड़ी से कौन जिम्मेदार होता। गाड़ी अंदर तरफ ही खड़ी थी लेकिन वो रोड से अंदर तरफ अपना क्या बोलते हैं डिवाइडर पे खड़ी थी। एक सवाल है पब्लिक की तरफ से, एक सवाल, एक पब्लिक समझ लो हमारे को बराबर है। अगर हम DCB बैंक गए, गाड़ी कहाँ पार्क करने का ये बताओ, या तो बोलो कि भाई बैंक जाने का है तो पैदल जाओ। अगर हम कैनरा बैंक गए कहाँ गाड़ी पार्क करेंगे, बाहर जो हॉकर लगे हुए हमारी गलती है, वो हमारी गलती है क्या बताओ? हॉकर की वजह से रोड जाम है तो उसके बाद गाड़ी कहाँ लगेगी? अच्छा ये सब भी मान लो आपकी बात है ना, इन्होंने क्या बोले पार्किंग जोन रहेगा वहाँ पे तो पार्किंग कर सकते ना, बताओ एक पार्किंग जोन मुमरा में। अभी बताया जा रहा है कि 54 जगह कुछ इन्होंने पॉइंट किया है वहाँ पर नो पार्किंग, अभी करेंगे वो, अभी प्रोसेस कर रहे हैं, उसके बाद चालू करो ना। अभी क्या बोले, वो तो बोल रहे पहले क्यों चालू किए, बाद में चालू करना चाहिए। पार्किंग यहाँ पर एक शहर है, अलग अलग तरीके के सब 10 दिमाग हैं, 10 लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं। दिमाग नहीं, एक सिस्टम होता है ना, कोई सिस्टम कैसा है, आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, मैं आपसे सवाल करूँगा, आप चाहते हैं कि रोड पे गाड़ियाँ लगे? मैं ये चाहता हूँ पहले उसका सिस्टम बनाया जाए, उसके बाद उस हिसाब से कार्रवाई की जाए। सिस्टम आएगा ना, आप क्यों चाह रहे कि सारी चीज एक ही दिन में हो जाए, वक्त के साथ एक दिन बराबर हो जाएगी ना, आपका कहना तो मतलब यही है ना, सिस्टम करके फिर शुरू करना ये लोगों। अरे ऐसा नहीं है भाई, टोइंग इससे पहले भी चालू, आप कॉन्ट्रैक्टर हो, नहीं इनको लो ना फ्रेम में, लो क्यों नहीं लेते फ्रेम में इनको, आप कॉन्ट्रैक्टर हो बराबर है, क्या बोला है आप सुने ना, नहीं बोले ना, आपको तकलीफ होती है कि नहीं होती है? होती है ना, जरूर आप जाके कार्रवाई करते हो, सही बात है। कार्रवाई करने पे ना आपके साथ पब्लिक आकर आपसे विद्रोह करती है, आर्गुमेंट होती है, क्यों करती है विद्रोह, ऑल्टरनेट था क्या किसी के पास? नहीं, हमारा कहना एक ही है कि आपके जो लेटर है तो हमको शो कर दीजिए, आप देखो बताओ P1 P2 हमने, आप बोल रहे हो ना, अभी क्या बोला आपने, सत्या माझा कडे आहे मी चैनल और बोलते हैं नादी ऐकून घ्या, नाही आता बोलले ना तुम्ही नशेडी आहे ना माझ्याकडे, आहेत ना मी नशेडी सगळे आता तुमचे, मी एक माझ्या शरीरामध्ये एक ही नशेडी ऐकून घ्या नाही, जर तुम्ही आरोप करेल, तुम्ही केले आरोप प्रत्यारोप करेल तुम्ही, तर त्यानंतर तुम्हाला त्याचे व्हिडिओ भेटणार। वसीम भाई आपने ये तो कहा है कि यहाँ पर 3 से 4 कॉन्ट्रैक्टर ऐसे जो नशेड़ी है, ये बात तो नहीं, नहीं मैं बोल रहा हूँ भैया केसेस इससे पहले हुए कि नहीं, आम जनता मुमरा के लोग जो चाह तो वही वो पूछ रहे हैं कि है कि आपण ऐकू दादागिरी कोणी केली, माझे ऐकू, तुम्ही आमचा आरोप करता की आम्ही नशेडी आहे, तुम्हाला बोलला मी, अहो मीच असतो इथे, तुम्ही तुम्ही संपूर्ण आहे का, गेल्या 2 महिन्यापासून इथे कर्मचारी म्हणून काम करता, आम्ही तुमच्या अगोदर असेल, तिघ जण अहो तुमच्या अगोदर असेल, हे बोला आताच नका बोला, अहो तुमच्या अगोदर असेल, नाही आता बोलताना तुम्ही बोललात की इथे जे लोक वसत नशेडी आहेत, तुम्ही सगळ्या क्रेनवर जिती लोक आहे तुमचे, तुम्ही त्यांनी लिस्ट देऊ शकता का त्यांची? हो सर त्यांचं सगळं प्रूफ आहे, त्यांनी तुम्ही काहीतरी दिले आतमध्ये बघा ना, त्यांचा पूर्ण बायोडाटा दिलेला आहे सर, तुम्ही दिलेला आहे ना, हा आम्ही तुमच्याशी मागणी करतो पब्लिक जाहीर करा, आपली जी फाईल आहे ना ती ऑफिस मध्ये सबमिट केलेली आहे, तुम्हाला प्रवीण पावशे, माझं नाव परवीन पावशे साहेब, बोला ना, आमचं म्हणणं असं आहे तुम्ही कारवाई करतात बरोबर आहे, तुम्ही नो पार्किंग झोन मध्ये गाडी उचलतात, हो तुमच्याकडे पार्किंग झोनची काही माहिती आहे का सर? साहिल हॉटेलच्या इथे आपण सिंगल लेन पार्किंग केली आहे आणि ज्या ठिकाणी नो पार्किंग लेटर आहे, लेटर आहे न्यूजच्या माध्यमातून आपण चालवलेलं आहे, लेटर आहे, मग तुमच्याकडे असं कोणतं लेटर आहे का इथे गाडी पार्क करावी म्हणून? P1 P2 जर दिलं तर काय करणार आपण? मग तुम्ही लोकांपर्यंत ही माहिती पोहोचवली का नाही आजपर्यंत? अहो तोच मी काढला, मीच काढला, कारण द्यायला तुम्हाला काढायची होती, आम्ही तुम्हाला माझ्यावर थोपतात, तुम्ही आमचा आरोप करता म्हणून मी तुम्हाला सांगतोय भाई, क्या बोलले आरोप केला, तुम्हाला पार्किंग दिलेली आहे, अजूनही तुमच्यावर आरोप केला नाही, मला एकच म्हणणं आहे आम्ही ज्यावेळेस न्यूजच्या माध्यमातून चालवलं त्यावेळेस आम्ही सांगितलं की सिंगल पार्किंग दिलेली आहे। न्यूज ऑफिशियल आहेत का? ऑफिशियल न्यूज नाहीत म्हणजे, ऑफिशियल आहे का न्यूज? ऑफिशियल आहेत सर, तुमच्याकडे पत्र आहे का पार्किंगचं? पार्किंग झोन आहे का तुमच्याकडे? पार्किंग झोन मुंबईमध्ये नाही आहे ना, तोच मी सांगतो, मला एक सांगा पार्किंग झोन अलाव कोण करतं? ट्रॉफिक ऑफिस करतं की नगरपालिका करते? तुम्ही उचलतात गाडी नो पार्किंग झोन मध्ये उचलतात बरोबर आहे, वाहनावर कारवाई करणं हे वाहतूक शाखेचं काम आहे आणि पार्किंग झोन देणे सगळी हा सगळी बरोबर आहे, पण त्याच्यामध्ये डिपार्टमेंट आहेत, याच्यात काही चूक असेल जॅमर लावणं तुम्ही मान्य करेल हो करावीच लागेल, करेल ना बघा जिथे चुक आहे याची पुढची प्रत्येक वेळेस आम्ही हे नाही सांगत की आम्ही पुढची कारवाई आपण व्हिडिओग्राफी करू, चालेल चालेल,
पण आम्ही बघा प्रत्येकच हे नाही सांगू शकत का ऑलवेज आम राईट साहेब. तुमचं पण म्हणणं असं आहे की नाही लोकांना पार्किंग झोन मिळाला पाहिजे की नाही? 100% मिळाला पाहिजे, कारण शहरातले वाद नाही ना त्याच्यावर. शहरातले लोक सध्या वैतागलेले आहेत का, कारण लोकांना पार्किंग झोन अलर्ट नाहीये, तोच मुद्दा मेन. आमचंही ते म्हणणं आहे की नगरपालिकेने लवकरात लवकर पिवन पिटू 6 महिने झाले टोलिंग स्टार्ट झालंय मुंबईमध्ये. 5-6 महिना हो गेला भाजी शहरातले लोक जर एखादा माणूस भाजी घ्यायला गेला जास्त वेळ बरोबर ना भाईजन 5-6 महिना हो गया मुंबरा में टोलिंग चालू हो गए बराबर है. 6 महीने से ट्रैफिक विभाग जो है ये काम कर रहा है कि भाई सुनो जब तक पार्किंग नो पार्किंग का बोर्ड नहीं था हम रोज हमारे PI सुरेश केड़ेकर साहब उनकी टीम सुनो बोलो पूरा यहाँ से लेके कौसा जहाँ तक शहर खत्म नहीं होता है ये अनाउंसमेंट करती थी कि जहाँ पर पार्किंग जोन या बोर्ड नहीं हम सिंगल लेन में गाड़ी लगाओ भाई गाड़ी नहीं उठाएंगे भाई. हमारा पार्क हमारा टोइंग नहीं भाई दूसरी जगह लेके जा रहे हैं. आप 5 महीने से जब चल रहा है ट्रैफिक विभाग काम 1 मिनट भाई रुको ना कर रहा ना ट्रैफिक विभाग काम कर रहा है. थाने महानगर पालिका प्रभाग समिति क्यों सोया है? अरे मेरे उनका कुछ फर्ज बनता है कि नहीं? तो शहर के सुनो शहर के मुश्ताक नाम है मेरा मुश्ताक भाई. शहर में 10 पार्टियां हैं 10 पार्टियां के 500 पदाधिकारी है. पॉलिटिकल मत आओ सुनो मैं बता रहा हूँ आपको. क्या किसी ने जाके इधर ही बोला कि भाई पार्किंग जोन तुम क्यों नहीं दे रहे? लेटर दू तो वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? तो मैं हम क्या बोल रहे हाँ हमारा मानना क्या है? आपको भी तकलीफ है बेशक बहुत ज्यादा. पार्किंग जोन नहीं रहेगी आपको भी तकलीफ है बहुत ज्यादा. हम लोगों को सही पब्लिक को तकलीफ है बराबर है. अपने कार्रवाई से कोई उसका ऑब्जेक्शन है क्या? नहीं है. पब्लिक को तकलीफ नहीं उसके लिए क्या होना चाहिए? पार्किंग जोन अवेलेबल होना चाहिए. भी मांगनी है हमारी भी मांगनी है बस बेशक होना ही चाहिए. दे तो क्या होगा धांधली? सुनो आप भी पाउसे आपने भी ये माना धांधली होना चाहिए क्या? नहीं आपकी तरफ से कोई गलती हो तो होना चाहिए क्या? नहीं कुछ नहीं 100% होना चाहिए. सुविधा देना है उनको हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए. तकलीफ नहीं होना चाहिए पब्लिक को. क्या हमारा मांगनी क्या है? मुमरा के अंदर कोई भी चीज की अफरा तफरी पैदा मत करो. कानून ही है ना, कानून के हिसाब से अगर एक तरफ है ना गाड़ियां पार्क करना गलत है तो उनको पार्किंग की जगह होना भी तो होना चाहिए ना. अगर तो वो नहीं मिले तो वो भी तो गलत है. तो गाड़ी नो पार्किंग की मानी. एक दो जगह भी हमने ये करे के बोले कि देखो कुछ जब तक कुछ नहीं सॉल्यूशन नहीं निकलता है. कुछ जगह ऐसी भी जहाँ ट्रिपल लेन में इस्लामुद्दीन भाई गाड़ियां पार्क है. सपोज फला गार्डन के सामने कितना स्पेस है, 3-3 लेन में गाड़ियां बसे पार्क है, ये पार्क है वो पार्क है, पूरा पैक पैक है. लोग चलेंगे कहाँ से? है क्या नहीं ये फुटपाथ? सुनो ना बैंक के सामने जो फुटपाथ है त्याच्यावर लोकांनी गाड्या पूर्ण पार्क केलेल्या आहेत, लोक चालणार कुठं? तोच आपला मेन मुद्दा आहे. जर लोकांना त्याची सुविधा भेटली असती, अगर उनको पार्किंग जोन मिला होता तो वो क्यों नो पार्किंग में लगाते? हमारा भी वही कहना. अगर तो हमारे मुमरा वालों को सिस्टम कैसे तुम ऐसा चाहते क्या? मुमरा वालों को ऐसा बोलना चाहिए ये लोग ही गलत है? नहीं ऐसा बोलना चाहिए क्या? नहीं इनको सुविधा दो. अगर ये हमारे साथ सुधरने को तैयार है, अच्छा हमारे शहर के लोग अच्छे है ना, हमारा शहर अच्छा, हमारे शहर के लोग अच्छे, एकदम क्लियर. बात के ऊपर बात नहीं. सुरेश केड़ेकर साहब जो है उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है. उनको शुरू होता है कहाँ से, बहुत लंबा एरिया दिया हुआ है. अब हम तो क्या है भाई, मैं कल भी अटका हुआ था. मैं आपको बताता हूँ, मेरे को है ना दोस्ती के पास के जो इतना पट्टा है उसके अंदर पूरा ट्रैफिक जाम था. हम अभी क्या बोल रहे हैं कि भाई MM वैली के पास के जो सरकार है वो क्यों नहीं बने? अगर TMC इसके अंदर नहीं सक्षम है तो हमारा ये अनुरोध है प्रशासन से कि ये जो वाद क्रिएट हो रहे इससे हमारे पर्सनल जाति है क्या? पावसे से हमारा कोई लफड़ा, मुश्ताक भाई से हमारा कोई जाति झगड़ा है क्या, या पुलिस वाले से? लेकिन मुमरा की एक छवि कहाँ खराब हो जाती है जब उनको पार्किंग जोन मिले बगैर नो पार्किंग के चार्ज भरने पड़ रहे हैं, तो वहाँ पर बात खराब होती है. तो हमारा अपील है यहाँ के ट्रैफिक SCP से बोल लो, ट्रैफिक DCP से बोल रहो, बहुत सारे यहाँ पर बड़े बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री साहब हैं, उन सबको कि भाई मुमरा भी आप ही के महाराष्ट्र के अंदर है, थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एक हिस्सा है, यहाँ पर भी पार्किंग जोन होना चाहिए. That's it. तो आपने सुना कि यहाँ पर वसीम सैयद भी पहुँच गए थे और अयाज बबलू भी यहाँ पर थे क्योंकि उनकी गाड़ी पर कार्रवाई हुई थी. और कहीं ना कहीं जो है आपसी मतभेद भी है ट्रैफिक कार्रवाई को लेकर. लेकिन कुछ लोग जो है बता रहे हैं कि जिस तरह से टोइंग कार्रवाई की जा रही है उससे कहीं ना कहीं शहर में असर पड़ा है. और जो लोग गाड़ियों को कहीं भी खड़ा कर देते थे तो वो लोग आज के वक्त में सोचते हैं कि कहीं गाड़ी हम रोड पर ना खड़ा करें, कहीं किनारे में खड़ा करें ताकि उन पर कार्रवाई ना हो. लेकिन वहीं कुछ लोग जो ऐसे हैं कि टोइंग की कार्रवाई से जो है वो
बचने के लिए तरह तरह की जो है बहानेबाजी करते हैं और भी बातें सामने आती है, लेकिन मिला जुला असर कहीं ना कहीं मुंब्रा शहर में देखा जाता है इसका।